दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी मेरी पसंद का खाना खाने से आपकी इज्जत घट तो नहीं जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पापा जी, आप दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सुची ने अपने ससुर जी से पूछा। जो मर्जी हो बना लो, पीयूष जी बोले। पापा जी, मटर पनीर बना लूं? मुझसे ये सब्जियां नहीं खाई जाती। उड़द की दाल बने बहुत दिन हो गए, तो उड़द की दाल और गोभी आलू की सब्जी बना ले, पीयूष जी ने कहा। ये सुनकर सुची मन ही मन सोचती हुई रसोई की तरफ चल दी। हर दूसरे दिन उड़द की दाल बनती है, अब तो मन भी नहीं करता दाल खाने का। पीहू तो बिल्कुल नहीं खाएगी आज ये दाल। पीहू के लिए पनीर की सब्जी बना लेती हूँ। जब सुची ने सब का खाना लगाया तो पीहू की प्लेट में पनीर की सब्जी देखकर पीयूष जी बोले, बहू ये पनीर की सब्जी कहाँ से आई? पापा जी पीहू के लिए बनाई थी, आज उसका दाल खाने का मन नहीं था। बहू तो थोड़ी सब्जी मुझे भी दे देती, मुझे पनीर की सब्जी कौन सा कड़वी लगती है। और ये बच्चों को दाल खिलाने की आदत डालो। सुची ने कुछ जवाब नहीं दिया और थोड़ी सब्जी ससुर जी को भी दे दी। सुची सोच रही थी, हमेशा यही होता है, अगर मैं अपनी पसंद की कोई सब्जी बनाने को कहती हूँ तो ससुर जी मना कर देते हैं, और जब मैं अलग से वो सब्जी बना लेती हूँ तो फिर वो सब्जी जरूर खानी है। सुसी की सास का देहांत हुए बहुत समय हो गया, तब से वही अपने ससुर का पिता से बढ़कर ख्याल रखती हैं। लेकिन शुरू से ही उसके ससुर की आदत है, खाने में जो भी सूची बनाने के लिए कहेगी वो बोल देंगे, ऐसी सब्जी मैं नहीं खाता, और अपनी पसंद का खाना बनवाएंगे। फिर सुसी वही सब्जी अपने लिए या अपनी बेटी पीहू के लिए बना लेगी तो फिर गुस्सा करते हैं कि मुझे नहीं दी, जबकि सुसी तो पहले उनसे ही पूछती हैं। कुछ दिन बाद सुची का जन्मदिन था, तो घर के सब लोग डिनर के लिए होटल में गए। सुची ने देवर, मयंक, पति और बच्चों के लिए सूप ऑर्डर कर दिया। ससुर जी ने सूप के लिए मना कर दिया, ये सब संचले मुझे पसंद नहीं। जब सूप आया तो पीयूष जी बोले, बहू थोड़ा सूप मुझे भी दे ही दो। अब सुसी क्या करती, मयंक ने अपना सूप पीयूष जी को दे दिया। सुची ने आंखों ही आंखों में मयंक से कहा, मैंने पहले ही पूछा था तब मना कर दिया। मयंक ने भी इशारे से कुछ ना
बोल पाने की असमर्थता जताई। सही बात है, वो कह भी क्या सकता था। फिर थोड़ी देर में खाने का ऑर्डर दिया तो पीहू बोली, मम्मी मैं तो चाउमीन और पनीर टिक्का खाऊंगी। देवर ने भी अपनी पसंद बता दी। पीयूष जी बोले, मुझसे तो ये सब खाया नहीं जाएगा, मुझे तो दाल तड़का, कढ़ाई पनीर और रोटी मंगा लो। अब सुशी ने सबकी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया और अपने लिए भी दाल मक्खनी, दम आलू और नान ऑर्डर की। जब डिनर आया तो फिर पीयूष जी ने आदत के मुताबिक चाउमीन और पनीर टिक्का भी लिया और दाल मक्खनी, दम आलू भी लिया। अब नतीजा ये हुआ कि जो पीहू और सुची की पसंद का खाना था वो तो सब ने ले लिया और सुची के हिस्से में फिर वही दाल तड़का आ गई। अब तो सुची का दिमाग खराब हो गया, उसका खाना खाने का मन नहीं हुआ और वो बिना खाना खाए वापस आ गई। घर आकर मयंक ने पीयूष जी और छोटे भाई से कहा, अगर आप लोगों को वो ही खाना होता है जो सच्ची अपने लिए या पीहू के लिए बनाती हैं या ऑर्डर करती हैं तो पहले ही बता दिया करो, फिर वही ऑर्डर होगा। बाद में उसको आपकी पसंद का खाना खत्म करना पड़ता है क्योंकि वो खाना फेंका तो जाएगा नहीं। पहले तो आप ये कह देते हो कि ये सौंचलेबाजी हमें पसंद नहीं, फिर वही सौंचलेबाजी आपको पसंद आती है। अगर आपको उसकी पसंद अच्छी लगती है तो उसे मानने में क्या दिक्कत है? इसमें आपकी इज्जत घट तो नहीं जाएगी। पीयूष जी ने मयंक की बात सुनकर मुंह बना लिया। बोले, बहू ने सिखा कर भेजा है, अपने बाप के खाने पर उंगली उठा रहा है। मयंक को पता था कि उन दोनों को कहने से कुछ फायदा नहीं है। धीरे धीरे मयंक ने सुशी के साथ अपने पापा को बाहर होटल ले जाना बंद कर दिया। घर पर भी सुची पीहू को उसकी पसंद का खाना ससुर जी के खाने से पहले या बाद में देती, क्योंकि सुशी को भी पता था ससुर जी अपनी आदत बदलेंगे नहीं, तो खुद का मन खराब करे या घर में कलेश करके कोई फायदा नहीं। दोस्तों, अधिकतर घरों में यही होता है कि सास ससुर या देवर ननद बहू की पसंद का खाना बनने नहीं देते। शुरू शुरू में तो बहू कुछ बोलती नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो अपनी पसंद का खाना बनाने लगती है या बच्चों की पसंद का खाना अलग बनाती है तो सबको वही पसंद आने लगता है। लेकिन इस बात को मानने के लिए वो तैयार भी नहीं होते। अगर वो बहू की पसंद को मानकर पहले ही बोल दे तो उस बचे हुए खाने की बर्बादी भी ना हो।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।